रिएक्ट में ली। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं 2022 की सबसे बेस्ट मूवी जिसका नाम है केजीएफ चैप्टर 2 के सॉन्ग के ऊपर। तो सॉन्ग का नाम है द मॉन्स्टर सॉन्ग, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था इस मूवी का। तो इस सॉन्ग के जो सिंगर है उनका नाम है अदिति सागर, और इसके लिरिक्स भी अदिति सागर ने ही लिखे हैं, और इसके जो म्यूजिक कंपोजर है उनका नाम है रवि बसरूर। और काफी ज्यादा अच्छा सॉन्ग है, तो इस पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को दूसरे सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। तो 1 2 3 गो। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. भाई इसका डांस और म्यूजिक बहुत ही गजब है ब्रो। और इसके एडिटर ने तो इसके अंदर जान डाल दी है यार। ओह ब्रो बीट देखो यार, बीजीएम तो ब्रो। भाई ये वीडियो काफी ज्यादा फेमस है भाई, भाई काफी ज्यादा फेमस था, और ये मतलब इतना फेमस हुआ था कि हर बच्चे के मुंह पे, और म्यूजिक के ये जो सॉन्ग मोबाइल पे था काफी ज्यादा अच्छा। वाह भाई ये सीन सबसे गजब था। ये भी इस गाने के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन्स थे ना मूवी के, वो दिखाए गए। रॉकिंग स्टार भाई, डांस भी अच्छा किया लड़कियों ने भाई। और भाई आई एम जिमी कार्टर, आई एम द सीईओ ऑफ डेल्वर स्टील टेक्सास। सेम सेम, आई एम आल्सो सीईओ। ओह वंडरफुल, व्हिच वन? इंडिया। इंडिया क्या मतलब दिवाली टाइप का हो गया था उस वक्त, तब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था, मूवी रिलीज हुई थी। तो भाई लोग कैसे मतलब खुश थे यार। वो अधीरा ओ भाई, ओ गूज़बम्प्स। सो गाइस, इस मूवी के अंदर जो सीन दिखाएंगे वो इस मूवी के मोस्ट इंपोर्टेंट सीन्स में से है। जैसे अधीरा वाला सीन दिखाया गया, इसकी माँ के हाथ में बच्चे वाला वो पोस्टर दिखाया गया, और वो जो गोलियों से, और यस का वो जो जवाब देना कि मैं भी एक सीईओ हूँ, और तो वो यस बोलता है कि मैं भी एक सीईओ हूँ बट मैं इंडिया का पूरा सीईओ इंडिया का हूँ मैं, तो वो काफी ज्यादा सीन इतना गजब का होता है ना, जब आप मूवी के अंदर देखते हो ना इतना गजब का लगता है। और वो जब गोलियां चलाता है ना उस थाने के ऊपर, भाई पूरा थाना उड़ा देता है, थाने की बंदूक सॉरी गाड़ियां उड़ा देता है, और लोग मतलब उसको जानते नहीं है, लेकिन जब उसका नाम पता चलता है तो थर थर कांपने लग जाते हैं। और भाई क्या वो उसे पार्ट पे खड़ा होके अधीरा के ऊपर गोलियां बरसाता है ना, वो कब सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो सीन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन है वो इसके अंदर, अगर वो अधीरा को उस वक्त मार देता तो भाई उसकी बीवी और उसका जो केजीएफ है वो बच जाता। तो सॉन्ग इस मूवी के अंदर इससे ट्विस्ट को लाना जरूरी था, अगर चाहता तो यस उसको मार सकता था, बट मारा नहीं इस मूवी के अंदर, तो अगर ये मार देता तो चैप्टर 3 कहाँ से बनता। तो सीन में थोड़ा सा सस्पेंस और थोड़ा सा थ्रिलर और थोड़ा सा सैडनेस डालना तो जरूरी है मूवी को हिट करने के लिए, तो काफी ज्यादा हिट थी। और इस सॉन्ग के लिए तो लोगों ने मतलब दिवाली सा बना लिया था, इस सॉन्ग जब आया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, और इसको मतलब इतना अप्रिशिएट किया गया इस गाने को, आपको मैं क्या
बताऊं। तो गाइस मेरी तरफ से 5.5 ने 10 ऑन 10 इस सॉन्ग को। सो आपको कैसा लगा ये मेरा रिएक्शन और ये सॉन्ग, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।